बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट एंड लर्न अबाउट अदर टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट्स। वी मोस्टली कंसिडर नैंड एंड नॉर गेट्स बिकॉज दीज आर मोस्टली यूज इन मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड दीज नैंड एंड नॉर गेट्स वी कैन यूज दैम टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट फंक्शंस एंड दे आर very helpful, and for this reason NAND and NOR logic implementations are most important for practical point of view, and we should consider these logics and इनको समझने के लिए हम बार बार इनकी different examples को consider कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा commonly use होती हैं जितने भी हमारे पास integrated circuits होते हैं। अब उसको आगे implement करने के different TTL logics हैं या ट्रांजिस्टर लॉजिक्स कह सकते हैं और या एमिटर कपल्ड लॉजिक्स हैं, उनमें भी ये यूज़ होते हैं। तो उनकी ये एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह हम डिफरेंट जो हमारे पास लॉजिक्स हैं उनको यूज़ करते हुए इनको कंबाइन कर रहे होते हैं और इनको कंबाइन करके डिफरेंट जो लॉजिक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी फॉर एग्जाम्पल जो गेट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे फिगर जो ए है उसमें देख सकते हैं कि नैंड गेट्स को यूज़ करते हुए एंड देन जो ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है उसको यूज़ करते हुए ये वायर्ड एंड इन ओपन कलेक्टर TTL जो नैंड गेट्स हैं एंड और इन्वर्ट लॉजिक बनाई गई है यहाँ पे। ये जो एंड और इन्वर्ट लॉजिक है इसमें वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द जो सम ऑफ द कह सकते हैं कि एंड नैंड एंड नॉर गेट्स क्या करते हैं कि अलाउ कर रहे होते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ अ वायर कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट्स ऑफ टू गेट्स टू provide a specific logic function। अब वो जो specific logic function जो है जिसको provide करने के लिए हम ये use कर रहे होते हैं NAND and NOR gates, this type of logic is called wired logic। अब उसके लिए उसने example यहाँ पे दी है, जैसे figure जो A में show हो रही है कि open collector TTL NAND gates को use किया गया यहाँ पे। when tied जब उनको कनेक्ट किया जाता है आपस में तो जो हमारे पास फ्रॉम वायर्ड एंड लॉजिक के थ्रू, तो जो हमारे पास ओपन कलेक्टर TTL गेट है उसके ये जो हमारे पास ओपन कलेक्टर TTL गेट है इसके बारे में मज़ीद जो डिटेल है चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस की गई है। यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे हम जो नैंड गेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट जो लॉजिक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ वायर कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट्स ऑफ टू गेट्स टू प्रोवाइड अ वायर्ड लॉजिक, क्या है जो आउटपुट्स हैं वो उनकी वायर्ड लॉजिक को प्रोवाइड करने के लिए हमने ये यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे जो ओपन कलेक्टेड TTL NAND गेट्स व्हेन टाइड टुगेदर वो एक वायर्ड एंड लॉजिक को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वायर्ड एंड लॉजिक को यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। अब इसमें एंड जो टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इसमें एंड और इन्वर्ट जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब यहाँ पे जो मोस्टली हमारे पास हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि जो वायर्ड एंड लॉजिक परफॉर्म विद टू नैंड गेट्स, इसको इस फिगर में यहाँ पे शो किया गया है, जो एंड गेट इज ड्रॉन विद द लाइंस गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द गेट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ कन्वेंशनल गेट, द वायर्ड एंड गेट इज नॉट अ फिजिकल गेट बट ओनली अ सिंबल टू डेजिग्नेट द फंक्शन ऑब्टेंड फ्रॉम द इंडिकेटेड वायर्ड कनेक्शन, द लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय द दिस गिवन सर्किट जो है उसकी जो लॉजिक फंक्शन है वो हमें यहाँ पे गिवन है, वो हम इसको यूज़ करते हुए ये यहाँ पे ओपन कलेक्टेड जो TTL गेट्स हैं वो भी यहाँ पे वो शो किए गए हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक के थ्रू, जो दो जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको यूज़ करते हुए यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे Q1 Q2 Q3 D3 जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये यूज़ किए गए हैं, इनके कम्बिनेशन से ओपन कलेक्टर TTL गेट बनाया गया है। अब ये क्या है, जो हमारे पास नैंड गेट था उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे शो किया गया है, और इसमें भी फिर डिफरेंट जो जो सोर्स वोल्टेजेस हैं वो 5 वोल्ट के दिए गए होते हैं और फिर उनको ग्राउंड किया गया होता है, इसका डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप इनको मज़ीद डिटेल है वो चैप्टर नंबर 10 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इसमें यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसका जो एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी होल कम्प्लीमेंट है, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको जो एंड और इन्वर्ट लॉजिक भी कहा जाता है इसको। और ये जो एंड और इन्वर्ट लॉजिक है
इसी तरह इसका आगे हम जो ऑपोजिट है और एंड इनवर्ट लॉजिक, वो भी हम देखेंगे कि उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये जो वायर्ड एंड गेट इज जो था वो यहाँ पे बताया गया था कि फिजिकल गेट नहीं है ये, एक तरह से जो हम यहाँ पे यूज़ किया। सिमिलरली जो हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो वायर्ड एंड गेट्स थे इन दोनों को वायर्ड किया गया है और फिर उनका एक कम्बिनेशन बनाया गया है, तो ये फिजिकल वो यहाँ पे कह रहे हैं कि गेट नहीं है, लेकिन वो दोनों गेट्स को वायर्ड किया गया है यहाँ पे कंबाइन करने के लिए। अब इसी तरह इनकी जो डिफरेंट नॉन डिजेनरेट फॉर्म्स हैं उसके बारे में भी अगर हम देखते हैं, लेकिन पहले ये जो हमारे पास वायर्ड है लॉजिक गेट डज नॉट प्रोड्यूस अ फिजिकल सेकंड लेवल गेट, क्योंकि ये सेकंड लेवल गेट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ उनका वायर्ड कम्बिनेशन कनेक्शन है वो शो करवा रहा है यहाँ पे, सिंस इट इज जस्ट अ वायर कनेक्शन। फॉर डिस्कशन पर्पज वी विल कंसिडर दिस सर्किट एंड एज टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन। द फर्स्ट लेवल क्या है हमारे पास, उसमें इस कंसिस्ट ऑफ टू NAND गेट्स और NOR गेट्स भी यूज हो सकते हैं इसमें, एंड सेकेंड लेवल हैज अ सिंगल AND गेट और एन OR गेट जो है उसके लिए यूज होता है, यहाँ पर AND गेट या फिर उसकी जगह OR गेट भी यूज किया जा सकता है वहाँ पे। द वायर्ड कनेक्शन इन द ग्राफिक सिंबल विल बी ओमिटेड इन सब्सिक्वेंट, जो वायर्ड कनेक्शन है उसको वो ओमिट भी किया जा सकता है आगे कंसिडर करने के लिए। तो यहाँ पे ये इस तरह इसकी थोड़ी सी डिटेल गिवन दी गई है, बताया गया कि किस तरह जो NAND और NOR को यूज़ करते हुए, जहाँ पे जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं NAND गेट्स यूज हुए हैं, इसी तरह NOR गेट्स भी यूज किए जा सकते हैं। NAND गेट के साथ आगे AND गेट लगा हुआ है तो NOR गेट के साथ आगे यहाँ पे OR गेट हमारे पास लग जाएगा और उसके लिए जो फंक्शन है उनको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब जो नॉन डिजेनरेट फॉर्म्स हैं, इट विल बी इंस्ट्रक्टिव फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू फाइंड आउट हाउ मेनी टू लेवल कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स आर पॉसिबल, कि हम जो हमारे पास जो हमें गिवन गेट्स होते हैं एंड और NAND NOR गेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए टोटल हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं वो टू लेवल के हम बना सकते हैं। तो इसमें वी विल कंसिडर फोर टाइप्स ऑफ गेट्स विच आर एंड और NAND एंड NOR, एंड दीज फोर टाइप्स ऑफ गेट्स बाई यूजिंग दीज फोर टाइप्स ऑफ गेट्स इफ वी असाइन ओनली वन टाइप ऑफ अ गेट फॉर द फर्स्ट लेवल एंड वन टाइप फॉर द सेकेंड लेवल वी फाइंड दैट देर विल बी 16 पॉसिबल कम्बिनेशन फॉर द टू लेवल जो हमारे पास फॉर्म होंगी उसके लिए 16 पॉसिबल कम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे पास ऑफ टू लेवल फॉर्म। द सेम टाइप ऑफ गेट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल एज इन अ NAND NAND इम्प्लीमेंटेशन, एंड अगर सेम टाइप ऑफ गेट यूज किया जाए तो फिर इस तरह हम 8 ऑफ दीज कम्बिनेशन आर सेट टू बी डीजेनरेट फॉर्म बिकॉज दे डीजेनरेट टू अ सिंगल ऑपरेशन, उनमें सिंगल ऑपरेशन ही होगा क्योंकि NAND है यूज हो रहा है सिंगल ऑपरेशन यूज हो जाएगा। दिस कैन बी सीन फ्रॉम अ सर्किट विद AND gates in the first level and an AND gate in the second level. The output of circuit is merely the AND function of all input variables. The remaining 8 non-degenerate forms produce an implementation in some of products form or product of some forms. The 8 non-degenerate forms जो हैं जो बनेंगी हमारे पास वो कौन कौन सी हो सकती हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं उसमें AND और एंड NAND NAND NOR 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 OR NAND AND AND NOR AND OR NAND जो है ये 8 डिजेनरेट फॉर्म्स बनेगी। तो जो हम सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम की जो नॉन डिजेनरेट फॉर्म्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जब हम सेम ही लेवल पे यू द फर्स्ट गेट लिस्टेड इन ईच ऑफ द फॉर्म्स कंस्टिट्यूट अ फर्स्ट लेवल इन द इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे जितने भी हैं अब 8 डिजेनरेट फॉर्म्स हैं उसमें जो फर्स्ट गेट मेंशन किया गया है वो फर्स्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा और जो सेकंड गेट यहाँ पे मेंशन किया गया है वो जो सेकंड लेवल होगा इम्प्लीमेंटेशन का उसमें यूज़ होगा और फिर इनको यूज़ करते हुए लेकिन नोट दैट एनी टू फॉर्म्स लिस्टेड ऑन द सेम लाइन आर डुअल्स ऑफ ईच अदर, कि वो हमेशा डुअल होंगी ईच अदर की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि एंड और एंड फॉर्म्स आर द बेसिक टू लेवल फॉर्म्स जो हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो सेक्शन 3.4 है उसके अंदर, और जो द रिमेनिंग फॉर्म्स आर इन्वेस्टिगेटेड
इन दिस सेक्शन. अब यहाँ पे ये बताया कि जो हमारे पास एंड और एंड हैं, जो फॉर्म्स हैं, ये पहले हम उनको डिस्कस कर चुके हैं. तो अब जो रिमेनिंग फॉर्म्स हैं जैसे नैंड नैंड नैंड, नॉर नॉर जो है, ये इनको हम इस सेक्शन में कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि किस तरह हम इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले एंड और इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन आ रही है हमारे पास कि एंड और इनवर्ट इम्प्लीमेंटेशन में द टू फॉर्म्स नैंड एंड एंड नॉर आर इक्विवेलेंट फॉर्म्स एंड कैन बी ट्रीटेड टुगेदर, बोथ परफॉर्म एंड और इनवर्ट फंक्शन. अब इनको इक्विवेलेंट फॉर्म्स और टुगेदर इसलिए ट्रीट किया जा रहा है कि इन दोनों को यूज़ करते हुए एंड और इनवर्ट जो फंक्शन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे कि ये फिगर जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है, एंड और इनवर्ट फंक्शन, यानी जैसे एंड नॉर कह सकते हैं हम इसी तरह. और इसी तरह एंड नॉर को हम इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी आपका फ्लोर है, एंड गेट्स यूज किए गए हैं और इनवर्ट एंड गेट यूज किया गया है इसमें. ये जो बी फिगर है इसमें ऑल्टरनेटिव सिंगल सिंबल यूज किया गया है, ग्राफिक सिंबल नॉर गेट के लिए. तो ये ऐसे सेम ही है, ऐसे डिफरेंट ही है, बस जो ऑल्टरनेटिव ग्राफिक सिंबल था नॉर गेट का वो यहाँ पे यूज किया गया है इस फिगर में. तो इसमें आप नोट कर सकते हैं, नोट दैट अ सिंगल वेरिएबल ई इज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड बिकॉज द ओनली चेंज मेड इज इन द ग्राफिक सिंबल ऑफ द नॉर गेट. के जो हमारे पास जो नॉर गेट है उसके ग्राफिक सिंबल में चेंज मेड की गई है, तो इस वजह से जो ई है उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया गया. नाउ वी मूव द बबल फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल ऑफ द सेकेंड लेवल गेट टू द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट लेवल gates as inverter is needed for the single variable in order to compensate for the bubble. क्योंकि हमने बबल्स को भी कम्पनसेट करना होता है, इसलिए बबल्स को आपको बताया कि जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बबल्स को कम्पनसेट करने के लिए जो भी हमारे पास एक लाइन बन रही होती है उसमें जितने भी बबल्स आ रहे होते हैं उनको कम्पनसेट करने के लिए उस लाइन में और डिजीज बबल इंसर्ट किए जाते हैं ताकि बबल से बबल को कैंसिल आउट किया जा सके. अब जैसे कि यहाँ पे जो जब हमने देखा कि इन्वर्टर कैन बी रिमूव प्रोवाइडेड दैट इनपुट ई इज कम्प्लीमेंटेड, अगर इनपुट ई जो है उसको कम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो जो इन्वर्टर है उसको रिमूव भी करवाया जा सकता है. जैसे ये हमारे पास सी में देख सकते हैं आप के आगे इन्वर्टर लगाया गया है ताकि उसको कम्पनसेट, अगर हम ई का कम्प्लीमेंट ले लें डायरेक्ट तो इस जो हमारे पास इन्वर्टर है इसको रिमूव भी कर सकते हैं. अब ये जो सी फिगर है नैंड एंड फॉर्म टू इम्प्लीमेंट एंड और इन्वर्ट फंक्शन. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड और इन्वर्ट जो है उसको हम तीन तरीकों से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे एंड और नॉर गेट को यूज करते हुए, फिर एंड और ये नॉर का जो ऑल्टरनेट ग्राफिक सिंबल है वो यूज किया गया है नॉर का यहाँ पे, और फिर यहाँ पे नैंड एंड जो लॉजिक है उसको यूज करते हुए उसी फंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है. इन तीनों की जो आउटपुट है वो सेम ही आ रही है, इसको हम अगर करके देखें आप लोग भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पुट कर सकते हैं, उसके जब आप लोग सिंपली एफ को फाइंड आउट करेंगे वो सेम ही आउटपुट एक्सप्रेशन बनेगी जैसे कि सबकी बन रही होती है, जो कि इक्वल आएगी हमारे पास ए बी प्लस सी डी प्लस ई होल का कम्प्लीमेंट, इसके इक्वल आ जाएगी ये वाले जो हमारे पास इन तीनों के आउटपुट ये होगी हमारे पास. तो इसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि किस तरह ये सेम हमारे पास आउटपुट आ रही होगी. यहाँ पे जितनी भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हैं उसके लिए हमने डिफरेंट चीज़ें हैं उसको हमने गौर किया है. आप देख सकते हैं कि ग्राफिक सिंबल डिफरेंट होने से भी आउटपुट हमेशा सेम ही रहेगी, तो इस बात पे आपने हमेशा आप अपने जहन में रखना है कि आपने जो भी ग्राफिकल सिंबल यूज़ करें या गेट्स यूज़ करें लेकिन जो आउटपुट फंक्शन है वो हमेशा सेम ही रहना चाहिए और उसका रिजल्ट भी सेम ही आना चाहिए, आपका ट्रुथ टेबल सेम बनना चाहिए. हर जो एक फंक्शन है उसको अगर हमने डिफरेंट मेथड से इम्प्लीमेंट किया है लेकिन उसका ट्रुथ टेबल और आउटपुट हमेशा सेम रहनी चाहिए उस केस में. तो एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो ये हमारे पास नॉर गेट है, ये नॉर गेट उसको हमने उसके ऑल्टरनेट सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया इन्वर्ट एंड यूज़ करते हुए इसको यूज़ किया, तो ये दोनों सेम है हमारे पास. तो इसी तरह फिर जो ये वाले हमारे पास बबल्स है इनको कम्पनसेट करने के लिए हमने क्या किया
हर जगह के ऊपर आगे बबल लगा दिया, क्योंकि हम ये नैंड एंड हमने जो थी इम्प्लीमेंटेशन यूज की थी, तो ये वाले बबल जो थे यहाँ पे मूव कर दिए गए और आगे यहाँ पे एंड गेट आ गया हमारे पास। तो इसलिए तीनों सेम ही बन रहे हैं हमारे पास। हाँ, यहाँ पे जो मैंने पहले भी आपको बताया था, इस इन्वर्टर को अगर हम यहाँ पे रिमूव कर दें तो ई का हम इजिली कम्प्लीमेंट ले लेंगे और हमारे पास इसका सेम जो है आउटपुट आ जाएगी। और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन, जैसे पहले हमने देखी थी एंड और इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन, आप क्या है और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन है, सेम ही है जैसे कि हमने पहले की थी, लेकिन यहाँ पे क्या है जो एंड की जगह पे हम और गेट्स यूज कर रहे हैं और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब जैसे वहाँ पे था कि हमारे पास जो नॉर जो गेट था उसका हमने ऑल्टरनेटिव सिंबल यूज किया था, इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास नैंड गेट है उसका ऑल्टरनेट जो सिंबल है ग्राफिक सिंबल वो यूज किया गया। फिर अगर हम इसको ये और नैंड बन गया इम्प्लीमेंटेशन सेम, फिर अगर इसको नेक्स्ट हम आप सी पार्ट में देखें तो जो ये वाली तीन बबल्स थे इनको यहाँ से अगर हमने शिफ्ट करना है फिर बैक, तो फर्स्ट लेवल में तो यहाँ पे बबल लगा दिए गए, तो उससे जो हमारे पास ई था इनपुट थी उसके साथ ही आगे इन्वर्टर लगा दिए गए उसको। तो इस तरह हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई होल का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है सबके लिए। तो जो हमारे पास और नैंड फॉर्म जो है वो रिजेंबल्स कर रही होती है उसके केस में, तो हमें जो ऑल्टरनेटिव ग्राफिक सिंबल्स हैं इनको भी यूज करते हुए सेम ही जो हमारे पास जो रिजल्ट है उनको ऑब्टेन कर सकते हैं आउटपुट के ऊपर, तो इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं होगी। अब वो यहाँ पे एक बात थोड़ी सी आपने जहन में रखनी है कि जब और एंड इन्वर्ट इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स एन एक्सप्रेशन इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, तो इफ द कंप्लीमेंट ऑफ द फंक्शन इज सिंप्लीफाइड इनटू दैट फॉर्म वी कैन इंप्लीमेंट एफ प्राइम विद द और एंड पार्ट ऑफ द फंक्शन, व्हेन एफ प्राइम पासेस थ्रू एंड थ्रू द इनवर्ट पार्ट वी ऑब्टेन कंप्लीमेंट ऑफ एफ और एफ इन द आउटपुट। मींस को यहां वो कह रहा है कि जो भी हम डिफरेंट चीजें देख रहे हैं कि जो हमारे पास कोशिश ये है कि जो आउटपुट है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आनी चाहिए, तो अगर एफ जो हमारे पास कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा तो उस केस में वो जो हमारे पास आउटपुट आ रही होगी वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगी, लेकिन जब वो एफ की फॉर्म में आएगी तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आ रही होगी। तो इस तरह हम ये इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली, जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होंगे उनको डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन को यूज करते हुए हम वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि टेबुलर समरी समरी है, इसमें ये जो चारों जो हमारे पास फंक्शन थे एंड और नैंड एंड और नैंड और एंड और है, तो इसके बारे में के जो इनको समराइज किया गया है इस टेबल के अंदर, और ताकि इसको इनको यूज करना आसान हो और किसी भी बूलियन फंक्शन के अंदर हम जो फोर लेवल्स हैं उनको यूज करते हुए कोई भी हम फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बिकॉज ऑफ द इनवर्ट पार्ट इन ईच केस विच इज कन्वीनियंट टू यूज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एफ कंप्लीमेंट ऑफ द फंक्शन, व्हेन एफ इज इम्प्लीमेंटेड जो एफ का कोई भी फंक्शन होगा कंप्लीमेंट फॉर्म में, एफ एफ कंप्लीमेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन वन ऑफ दीज फॉर्म वी ऑब्टेन द कंप्लीमेंट ऑफ द फंक्शन इन एंड और एंड फॉर्म्स, द फोर टू लेवल फॉर्म्स इनवर्ट दिस फंक्शन गिविंग एन आउटपुट दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ एफ, दिस इज द नॉर्मल आउटपुट ऑफ एफ, के यहाँ पे जो भी हमारे पास जो फंक्शंस आएंगे उनको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे आउटपुट को, तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स बाई फॉर्म में आ रहे होंगे, इस फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, तो वहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे उस टेबल में हमें बताया गया है कि जब हम इक्विवेलेंट जो फॉर्म एंड और नॉर नैंड एंड यानी इम्प्लीमेंट्स द फंक्शन एंड और इन्वर्ट को यूज करेंगे, तो उसमें जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स होगी किस तरह अचीव होगी, बाई कंबाइनिंग जीरोज इन द मैप, जो हमारे पास वो के मैप बनेगा उसमें जो जीरोज हैं उनको कंबाइन करके हमारे पास जो सम ऑफ प्रोडक्ट है वो अचीव होगी। तो उसको इसी तरह जब हम और नैंड नॉर और एंड इनवर्ट जो लॉजिक है उसको यूज कर रहे होंगे, तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स जो है वो प्रिंट किस तरह होगी, प्रोडक्ट ऑफ सम्स उनको प्रिंट करने हम जो वंस होंगे मैप में उनको कंबाइन करेंगे एंड देन कंप्लीमेंट लेंगे उसका, तो हमारे पास जो है एफ जो है वो ऑप्टेन हो जाएगा। तो इस तरह ये हम डिफरेंट जो हमारे पास इन्वर्टर्स होंगे,
इंस्टेंस में वो रिक्वायर होंगे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हम डिफरेंट फंक्शन जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा बाय यूजिंग डिफरेंट नैंड एंड नॉर गेट्स। ओके, जब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि किस तरह हम एक किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द 4 2-level फॉर्म्स जो भी हमने जो टेबल में लिस्टेड थी उनको यूज करते हुए हम फंक्शन को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है कि हम कह रहे हैं इम्प्लीमेंट करिए फंक्शन को बाई यूजिंग दोज 4 फॉर्म्स लिस्टेड इन द टेबल। द कम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन इज क्या होगा कि कम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन या उसे सिंप्लीफाइड इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय कंबाइनिंग द जीरोस इन द हमारे पास जो मैप होगा उसके अंदर जो जीरोस होंगी उनको यूज करते हुए। यहाँ पे ये क्योंकि 3 वेरिएबल मैप बन रहा है हमारे पास एक्स वाई एंड जी यूज हो रही है, यहाँ पे जो फंक्शन था उसको एफ कम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस जी हमारे पास आ रहा है। तो उसको इम्प्लीमेंट जब हम कर रहे हैं यहाँ पे तो जो हमारे पास जो भी हमारे पास गेट बनेगा उसमें यहाँ पे जो जीरोज होंगी उनको हमने क्या करना है कंसिडर करना है। तो जो जीरोज हैं उनको कंसिडर करने से हमारे पास किस फॉर्म में जो यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं डिफरेंट फॉर्म्स तो इसमें हम इनको यूज करेंगे कंसिडर करने के लिए कि आउटपुट हमारे पास किस फॉर्म में आ रही है। अब इस एग्जांपल में क्योंकि हमें ये टेबल ही गिवन है जिसके थ्रू हमने ये फंक्शन जो है बनाने हैं सिंप्लीफाई करने हैं, तो इस टेबल में क्या होगा कि जब अगर हमने उसकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में उसको कंबाइन करना है तो हम उसके जीरोज को कंसिडर करेंगे, और अगर प्रोडक्ट ऑफ सम जो है उनको कंसिडर करना है तो फिर वन को हम देखेंगे वहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम क्योंकि जो भी है फंक्शन कंप्लीमेंट बाई कम्बाइनिंग जीरोज हैं उनको कम्बाइन करने से लेंगे, इस तरह ये हमारे पास ये 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। इन तीनों ग्रुप्स को अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो आउटपुट है वो किस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे जो दो जो बॉक्सेस हैं उनका ग्रुप जो बन रहा है उससे जो हमारे पास आउटपुट जो फंक्शन बनेगा वो 2 लिटर्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होगा, और जो ये 4 जो हमारे पास बॉक्सेस हैं जो कि मैं अपनी उनके ऊपर जो कंसिस्ट कर रहा है ग्रुप, इससे जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन बनेगा वो सिंगल लिटर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, कौन जो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे, और जो वेरिएबल चेंज हो रहा होता है क्योंकि उसका वो वेरिएबल वो लिटरल और उसका जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दोनों आ रही होती है इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाती है, और जो वेरिएबल जो या लिटरल जो है वो चेंज नहीं हो रहा था उसको हम आगे जो मतलब फंक्शन है उसमें कंसिडर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन रहा है कि इसमें हमारे पास जो जी है वो चेंज हो रहा है और एक्स जो है वो 1 ही है। तो एक्स इंटू वाई प्राइम ये वाला हमारे पास इसका ये आउटपुट जो है मतलब फंक्शन ये आ जाएगा, और फिर जो ये 2 ग्रुप बॉक्सों के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वाई है वो सेम ही है लेकिन जो जी है वो चेंज हो रहा है इसमें। तो इसमें हमारे पास क्या है एक्स जो है वो 0 है तो एक्स प्राइम इंटू वाई आ जाएगा। अब ये 2 हमारे पास आ गई, अब ये जो 4 का ग्रुपिंग बनी हुई ग्रुप बना हुआ है 4 मैथ को कम्बाइन करने से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स भी चेंज हो रहा है और हमारे पास वाई भी चेंज हो रहा है लेकिन जी जो था वो 1 ही है 1 ही रह रहा है, तो उससे हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो जी लिटरल के ऊपर बेस कर रहा होगा। तो इस तरह ये हमारे पास एफ नाइन की फॉर्म में आ गया। तो इसकी अगर हमने नॉर्मल आउटपुट पर इस फंक्शन अगर हमने लेनी है तो क्या होगा कि कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये वाला कम्प्लीमेंट जो है एफ का कम्प्लीमेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल फंक्शन के ऊपर प्राइम आ जाएगा विच इज इन द एंड और इन्वर्ट फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह जब हमारे पास इसमें हमने कंसिडर करना हो कि जो हमारे पास ये क्या थी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट थी तो प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसी तरह जब हम वंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें जैसे अब यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है वही सेम फंक्शन है जो इसको हमने एंड और नैंड एंड दोनों लॉजिक्स को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें एंड और एंड नैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शो की गई है कौन सा जो फंक्शन हमने केम लैब से वहाँ से ऑब्टेन किया है एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस जी और उनका कम्प्लीमेंट है हमारे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स प्राइम वाई, एक्स वाई प्राइम और जी जो है ये दोनों एंडिंग के बाद नॉर गेट में जा रही है और आउटपुट की तरह होगा ये फिर फंक्शन ओपन हुआ है। फिर उसी फंक्शन को आगे ओपन करने के लिए क्या किया गया कि जो ये बबल था इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए यहाँ पे जितने भी हमारे फंक्शन थे फर्स्ट लेवल के थे उनको यहाँ पे बबल लगा दिया गया और जो जी था वो वैसे विदाउट बबल था तो उसको यहाँ पे हमने इन्वर्टर यूज कर लिया और ये जो हमारे नॉर था उसको हमने ये जो सेकंड लेवल था उसको इस तरह अचीव किया यहाँ पे। अब क्या था कि यहाँ पे हमने एंड नॉर और नैंड और एंड गेट्स को यूज करते हुए जो फंक्शन हमने के मैप से अचीव किया फाइंड आउट किया था एफ उसको इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। अब इसी तरह तो जो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास और एंड इनवर्ट फॉर्म्स रिक्वायर्ड अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन इन प्रोडक्ट ऑफ सम्स, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। अब उसके लिए क्या करेंगे हम जो हमारे पास वंस होंगे उनको कंबाइन करेंगे। अब वन जो क्योंकि हैं दोनों एडजेसेंट नहीं बन रहे तो यहाँ पे ये हमेशा तीन तीन वेक्टर्स को बेस करते हुए हमारे पास इस फॉर्म में फंक्शन आ जाएगा जो कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम प्लस एक्स वाई जी प्राइम फॉर्म में होगा। तो उसका फंक्शन के जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब इसको अब आप जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगेन उसी तरह जैसे हमने पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स को किया था इम्प्लीमेंट तो इसको भी हम और नैंड और नॉर एंड और जो गेट्स हैं उनको यूज करते हुए यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये आप इसको देख सकते हैं इजिली कि हमने फंक्शन को एक्स वाई जी और एक्स प्राइम वाई प्राइम जी एक्स प्राइम वाई प्राइम इंटू जी इनको और गेट के इनपुट में दिया गया और फिर इस होल का कम्प्लीमेंट है तो और दोनों प्रोडक्ट हो रही है तो एंड गेट नैंड गेट यूज किया गया तो फिर अगेन उसी को नॉर एंड नॉर फिर नॉर एंड और गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरह ये हम इसको डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने अदर टू लेवल की इम्प्लीमेंटेशन की उनको यहाँ पे हमने चेकआउट किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि किस तरह हम जो और फंक्शंस हैं उनको क्या लॉजिक है और कौन कौन से उसमें बेसिक रूल यूज होते हैं और कौन कौन से फंक्शन हम उसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको चेकआउट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।